शास्त्री की निगाह में उसकी जीत वास्तव में लक्ष्मी की जीत थी, परंतु उन दोनों को पता नहीं था कि शर्त के अनुसार फुलवंती सचमुच ही दासी बनकर घर पर आ जाएगी। बिजली तो दोनों पर गिरी, परंतु लक्ष्मी ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए फुलवंती का स्वागत किया और उसे घर में आश्रय भी दे दिया। फुलवंती के आगमन ने घर में अनगिनत तरंग उठे। मन की अथाह गहराई में उमड़ती उछलती भावनाओं में तीनों खो गए। जब लक्ष्मी ने निर्णय दे दिया कि फुलवंती शास्त्री की दासी नहीं बल्कि शिष्या है, तब लक्ष्मी, शास्त्री और फुलवंती तीनों के लिए जिंदगी जैसे एक अग्नि परीक्षा बन गई। और सत्य, सत्य का रूप हरेक के लिए अलग था, कहीं लुभावना, कहीं डरावना, कहीं संभ्रमित कर देने वाला, परंतु उसका शोध हरेक के लिए अब अटल बन गया। फूलवंती, पद गाते गाते उठकर क्यों चली गई? क्या प्रश्न का उत्तर देते संकोच होता है? तो फिर क्या भाव अभिभूत हो गई थी? तुम बहुत भाग्यवान हो फूलवंती, एक श्रेष्ठ कलाकार जो भाव को प्रकट करने में नहीं हिचकिचाता, वो स्वयं भावरूप हो जाता है। तुमने भक्ति के मर्म को कैसे जान लिया? मैं नहीं जानती। तुम यहां खुश तो हो? जी। पर लक्ष्मी बता रही थी कि तुम जाने को कह रही थी, क्या यह सच है? अगर आपका आदेश हो तो। परंतु तुम अपनी इच्छा से जाना चाहोगी तो हम कर ही क्या सकते हैं? हम यानी हम दोनों, मेरा मतलब है मैं और लक्ष्मी। बस हम यानी मैं, मैं जब अपनाता हूं तो यज्ञोपवीत की तरह अपनाता हूं, फिर मुझे मतलब नहीं कि कोई क्या कहता है। सही है, शुरू में मैं डगमगा गया था, पर वो क्षणिक था, स्वाभाविक भी था, पर वो सत्य नहीं था। मैं नहीं जाऊंगी। मन से कह रही हो? जी। खूब अच्छी तरह से सोचकर। हाँ। मन ही तो सबसे बड़ी चीज है। वो परसों वाले बोल याद किए? जी। और उसे मेल खाने वाला पद भी? वो भी। तो जाओ मृदंग ले आओ।
अभी? और क्या, बिना अभ्यास के बिना रियाज के क्या सिद्ध होगा? मैं अभी आई।
आप? तुम यही मना रही थी ना? आओ मेरे पास बैठो। बैठो ना, ये संकोच किस लिए? वहां क्यों? मेरी जगह यही है। तुम्हारी जगह वहां नहीं है। अब तो खुश हो ना? तुम बहुत मोहक हो फूलवंती। उस दिन से भी अधिक जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था दरबार में श्रीमंत के रूबरू, और फिर मुझे आश्चर्य है कि हम लोग बिछुड़ कैसे गए, जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, जाने कहां के लिए भटकते रहे। वादा कीजिए अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे अपने करीब लेकर मेरी सांसों में सांस मिलाकर कहिए। मुझ पर विश्वास करो फूलवंती, मुझे अपने प्राणों की सौगंध। सच? कहिए कहिए विनायक शास्त्री जी। श्रीमंत, शीतला देवी के प्रकोप ने कितने लोगों के प्राण हरण किए हैं वही जानती है। एक एक घर में चार चार पांच पांच रुग्ण पड़े हैं श्रीमंत। छूत की बीमारी है श्रीमंत, रोगी के पास जाते चित्त भयाकुल हो जाता है। कितने रुग्ण सदा के लिए उठ चुके, कई विद्रूप हो गए और कई की आंखें जाती रही। श्रीमंत, दैवी प्रकोप को शमन करने के लिए दैवी उपाय तत्काल आरंभ हो जाने चाहिए। लेकिन हमारे राज्य में तो एक से एक बढ़कर वैद्यराज है, झाड़ फूक करने वाले सिद्ध आचार्य है। वैद्यराज भी घुटने टेक चुके हैं श्रीमंत। सिद्ध आचार्यों का कहना है कि पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ गया है कि भगवान दंड देकर ही रहेंगे। श्रीमंत, वैद्य रघुनाथ शास्त्री भी शीतला के शिकार हो गए। मैंने उनके जैसा सुशील, चारित्र्यवान और मृदुभाषी व्यक्ति आज तक नहीं देखा। क्या ईश्वर ने उन्हें भी पापी मानकर दंड दिया है? वे अपवाद है श्रीमंत। हम ब्रह्म वृंद की राय में शीतला देवी के शांति के लिए एक सहस्र ब्राह्मण बिठाए जाए और महामृत्युंजय का जप करने के लिए एक सहस्र ब्राह्मण अलग नियुक्त किए जाए। व्यंकटेश शास्त्री जी, आपकी क्या राय है? महामारी की रोकथाम के लिए अन्य उपाय भी ढूंढने होंगे। केवल जप-जाप पर्याप्त नहीं होगा श्रीमंत। अगर श्रीमंत अनुमति दें तो एक उपाय बताने का दुस्साहस करूं। अवश्य। श्रीमंत, अंग्रेजों की बस्ती में एक वैद्य आया हुआ है, उसे वहां डॉक्टर कहते हैं। इस वैद्य का नाम डॉक्टर कोट्स है। वो सुई इस्तेमाल करता है। मैंने सुना है उसने बड़े पैमाने पर शीतला पीड़ित अंग्रेज रोगियों को तंदुरुस्त कर दिया है। शांतम पापम शांतम पापम। अब विधर्मी व्यक्ति हमारे घर में जूता पहनकर प्रवेश करेगा, क्या श्रीमंत की अनुमति से भ्रष्टाचार फैलाएंगे शास्त्री जी? श्रीमंत, मैंने भी उस विषय में सुना है। वो गाय की स्तन से औषधि निकालकर हमारे बदन में चीरा देकर भर देता है। कितना कष्ट होता होगा गो माता को, और रक्तपात अलग। इतना अधर्म और शास्त्री जी कहते हैं। गाय हमारी माता है ना, तो हम विपत्ति के समय मां की गोद में न जाए तो और कहां जाए? श्रीमंत, औषधि औषधि है, उसे औषधि मानकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। अथर्ववेद में और आयुर्वेद के ग्रंथों में औषधि तैयार करते समय भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार नहीं किया गया है, वस्तु का गुण जानकर उसका प्रयोग किया गया है। इसलिए पवित्रता अपवित्रता और धर्म और अधर्म का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे आयुर्वेद के जानकारों को भूखा मारने का इससे बढ़िया उपाय क्या होता है? वाह शास्त्री जी, क्या खूब कहा है आपने।
मनुष्य को जीवित रखकर उसकी आयु बढ़ाने वाला शास्त्र है आयुर्वेद। वो एक शास्त्र है, उसका संबंध न धर्म से है न जाति से है, उसका संबंध केवल मनुष्य मात्र से है। मैं किसी शास्त्र किसी विद्या को अपवित्र नहीं मानता जिसका उपयोग करने से समाज का कल्याण होता है। रही जप जाप की बात, तो वो भी एक उपाय है, उसे भी करना चाहिए। कुत्रापि पतितं तोयं केशवं प्रतिगच्छति। वेंकटेश शास्त्री जी सही कहते हैं, हम डॉक्टर कोर्स की विद्या का उपयोग स्वयं अपने परिवार में करेंगे। शांति पाठ का इंतजाम करें। सरदार गोखले के यहाँ ब्राह्मण भोजन है, चलोगे? नकद नारायण के दर्शन होंगे तो चलते, मगर एक शर्त है। शर्त? दक्षिणा का पाव हिस्सा हमारा, वो भी पेशगी। पेशगी? भिकम्बर क्या लोभी हो? अरे रुपया क्या वहां ले जाओगे? नहीं, यहाँ का यहाँ खत्म करूंगा, वहां का वहां देखूंगा। अच्छा दिया तो लाओ, तुरा दान महाकल्याण। क्या विकम्बर, दोस्ती को यूं भुलाते हो? लो चाटो। आयुष्यमान भव, जरा बटुआ देना। और क्या खबर है? खबर कोई खास नहीं, विठ्ठल बाजी वैद्य से इलाज करा रहा है। महिपत दीक्षित अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया था, सो खुद ही ब्याह करके लौट आया। ये 40 का, वो 9 साल की। रघुनाथ महादेव की विधवा बेटी 2 रोज से गायब है। बहुत ही मामूली खबरें है, तुम सुना। विद्यावागीश वेंकटेश शास्त्री के नए संबंध का कुछ पता है? उनमें अब क्या रह गया है खबर के लायक? घर में नर्तकी लाए, टिका लिया, किस्सा खत्म। खबर तो तब मजा देती है जब किस्सा जारी रहता है। फूलवंती शास्त्री के घर आई है, दिन रात रहती है, नाच रंग का आलम है, और कुछ नहीं है। मतलब? गुरु तुम क्या बटुक हो, अभी अभी पाठशाला में आए हुए, दिमाग दौड़ाओ। हाँ, आया ध्यान में, क्या शास्त्री का कड़ा पहरा है? नहीं रे, उसकी क्या बिसात, मगर नहीं ये मामला है, समझे? हाँ ये भारी खबर है, पता लगाना पड़ेगा। एक नारी का ऐसा अपमान। अच्छा तुम अपनी सूत्रों की मदद से खोजबीन करो, हम अपने सूत्रों को हिलाते हैं। तो सरदार गोखले के यहाँ का पक्का पेशगी दी है, पक्का। लक्ष्मी यहाँ आओ। ब्राह्मण कितने बजे तक आएंगे? दोपहर तक आ जाएंगे ना? वो नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। क्यों? कोई खाली नहीं है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, सब बहानेबाजी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। पूना के ब्रह्मवृंद ने हमें एक तरह से जात निकाला दे दिया है लक्ष्मी। लेकिन क्यों, हमने कौन सा अपराध किया है? जो तुम मुझसे पूछ रही हो? हमने कोई अनाचार नहीं किया। किया कैसे नहीं किया है, एक नाचने वाली को घर में डाल लिया है, वो कहते हैं अनाचार नहीं तो और क्या है। हमने किसी से छुपाकर उसे आश्रय नहीं दिया है, रात के अंधेरे में मुंह काला कराने तो नहीं गए थे हम लोग। वे किस मुंह से कहते हैं कि हमने अनाचार किया है? मैं साक्षी हूं, मैं अभी आचार्य जी से मिलती हूं। हमारे यहां श्राद्ध नहीं होने देते, इसका क्या मतलब? ये अनाचार नहीं है। तुम्हारे सर पटकने से कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, जब उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया है। मैं श्रीमंत के यहां फरियाद करूंगी। श्रीमंत अपने पंडितों के खिलाफ कोई आदेश नहीं देंगे। तो फिर श्राद्ध होगा कैसे जब ब्राह्मण ही नहीं आएंगे? आ सकते हैं यदि हम उन्हें दूनी दक्षिणा दें तो देंगे, चौगुनी देंगे। सवाल दक्षिणा देने का नहीं है, सवाल यह है कि दक्षिणा का लालच दिखाकर श्राद्ध के मंत्र पढ़वाना क्या उचित होगा? मैं ऐसे ब्राह्मणों से अपने पिता का वर्ष श्राद्ध नहीं कराऊंगा। एक देवता के और एक मेरे पिता के आसन पर विराजे और मैं,
मैं श्रद्धा पूर्वक उनके सामने सर झुकाकर खड़ा रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। श्राद्ध है तो श्रद्धा सहित होना चाहिए। आखिर श्राद्ध होगा कैसे? श्राद्ध होगा, श्राद्ध होगा लक्ष्मी, तुम तैयारी करो। ये पंडित अपने आप को समझते क्या है? हरबा, देखा देखा भिकम भट्ट कैसा अनाचार हो रहा है। पितरों का श्राद्ध बिना ब्राह्मण के किया शास्त्री ने। अरे ब्रह्मवृंद ने तो इसे जात निकाला किया, मगर ये वार भी खाली गया रे। आहा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन और गाय को खिलाया तो क्या तेरे जैसे बैलों को खिलाता? नहीं, ऐसे श्राद्ध का भोजन तेरे जैसे कौवे को ही खिलाना चाहिए। चल।